आखिर राहुल गांधी को अमेठी छोड़कर रायबरेली आना पड़ा। इसका अर्थ है विरासत की लड़ाई में राहुल गांधी की जीत। अमेठी से राहुल गांधी को अपने हार का भी भय सता रहा था। यदि रायबरेली से प्रियंका जीत जाती और अमेठी से राहुल हार जाते तो कांग्रेस के अंदर ही प्रियंका को आगे करने की मांग उठने लगती। अमेठी से स्मृति आगे लड़ाई ज्यादा कांटे की थी। इस कारण राहुल गांधी को कांग्रेस की नज़र में सिर्फ सीट ही चाहिए, जिस कारण से उन्हें रायबरेली से लड़ाया गया। इस मुद्दे पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला का कहना है कि राहुल गांधी रायबरेली से भी नहीं जीतेंगे, उनकी हार सुनिश्चित है। अमेठी से डरकर भागने वाले राहुल गांधी को पूरे उत्तर प्रदेश की जनता माफ नहीं कर सकती। जनता जानती है कि कांग्रेस के शीर्षस्थ चुनाव मेक की तरह सिर्फ चुनाव में ही दिखते हैं, उनको आम जनता से कुछ भी लेना देना नहीं है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी का कहना है कि अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का एक आत्मीय रिश्ता है। पहले फिरोज गांधी, फिर इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी चुनाव मैदान में हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीत रायबरेली से राहुल गांधी की होगी। यूपी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बेसब्री से इसका इंतजार था। हमारी सीटें बढ़ेंगी। उधर राहुल गांधी के यूपी के अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव मैदान में आने पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि अमेठी से राहुल गांधी का चुनाव नहीं लड़ना कांग्रेस की नैतिक पराजय और भाजपा की विजय है। विरोधी दल के नेताओं का राजनीतिक भविष्य खतरे में है।